और इसी बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को 9 सीट देने पर आरजेडी सहमत हुआ है। तो सीटों के नाम पर आज अंतिम चर्चा, आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, शिवहर और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ वाल्मीकि नगर, सासाराम, गोपालगंज सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और बताया जा रहा है कि 9 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। हालांकि पूर्णिया सीट को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है। जबकि आपको पता होगा कि पप्पू यादव ने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। शिवम प्रताप अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। शिवम, क्या सहमति बन गई, कौन कौन सी सीटें हैं जो किसके खाते में जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर कल तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच बैठक हुई थी मुकुल वासनिक के आवास पर। ये बैठक लगभग एक दर्जन घंटे चली। सूत्र ये बताते हैं कि सीटों के नंबर पर तो सहमति बन गई है, लेकिन कौन सी सीटें होंगी इसको लेकर भी न्यूज एटीन बता रहा है। लेकिन अभी एक से दो ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई। यही एक वजह है कि आज फिर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होगी। दरअसल कल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव जो फीडबैक बैठक में मिला था वो लेकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पास गए, और वहीं केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं वो जो उनका फीडबैक है वो लेकर राहुल गांधी और पार्टी खड़गे के पास पहुंचे हैं। अभी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है इसमें कांग्रेस इसको लेकर और दबाव बनाएगी। यानी कि अभी आप ये कह सकते हैं कि पप्पू का मामला अधर में। दूसरी बड़ी बात कि जो कल बैठक हुई उसका माहौल सकारात्मक रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है सिर्फ संख्या बल के हिसाब से काम नहीं होगा, हमें सीटें मजबूत चाहिए। आज सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज दोपहर में एक और बैठक है। अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर या शिवहर में, पश्चिमी चंपारण या वाल्मीकि नगर, सासाराम और गोपालगंज में से एक सीट इनमें से लड़ेगी। मंगलवार शाम हुई बैठक को लेकर तेजस्वी यादव लालू यादव से फीडबैक लेने के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद फाइनल मुहर लग जाएगी और फिर आने वाले इसी वीक में पटना में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। लेकिन शिवम, वो और कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्या इसको लेकर कोई खबर है? पूर्णिया की सीट तो हमने देख ली, और क्या लगता है पप्पू यादव का फिर क्या होगा? लेकिन निश्चित तौर पर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। कुछ ये दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव की सीट को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो पप्पू यादव निर्दलीय भी मैदान में कूद सकते हैं। यानी कि पप्पू यादव अब बैकडोर नहीं जाने वाले हैं। पप्पू यादव से जुड़े सूत्रों का ये दावा है कि पप्पू यादव ने बाकायदा कांग्रेस और लालू यादव दोनों से सहमति लेने के बाद ही कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था। पप्पू यादव का ये कहना है कि बखूबी चले। शिवम, आप इस पर नजर बनाए रखें, देखना होगा आज की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है इंडिया लाइंस की तरफ से।